Welcome everyone. Today we will study about the consumption function. What is consumption function? How we can derive marginal propensity to consume and how its curve look like. हम schedule भी देखेंगे और curve कैसे बनाते हैं उसको भी देखेंगे. Dear students, consumption function को Keynes psychological law भी बोलते हैं. Keynes psychological law क्यों? क्योंकि Keynes ने ही ये consumption function दिया था. और Keynes psychological law क्या है ये हम समझेंगे. तो consumption function जैसे इस तरह से functional relationship बनता है. C is function of Y. What is this Y? ये Y क्या है? This is national income. ठीक है, पूरे कंट्री की इनकम हो सकती है, इकोनॉमी की इनकम. ठीक है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. ये फंक्शनल रिलेशनशिप के फॉर्म में है कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, केन्स साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है? केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन हमारा कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से इनकम बढ़ रही है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स साइकोलॉजिकल लॉ, when our income increases, our consumption increases, but not in the same proportion as income increases. So this is Keynes psychological law. हम इसकी functional relationship को देखेंगे, algebraically भी explain करेंगे और graphically भी बताएंगे. ठीक है, तो consumption function इस तरह से ये functional relationship है. तो कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी हमारी इनकम अगर वेरी होती है, अगर हमारी इनकम चेंज होती है तो हमारा कंजम्पशन भी चेंज होगा. ठीक है, अगर हमारी कंजम्पशन अगर हमारी इनकम राइज होती है तो कंजम्पशन भी, अगर हमारी इनकम राइज होती है तो हमारा कंजम्पशन भी राइज होगा. ठीक है, लेकिन कितना कंजम्पशन राइज होगा वही केन साइकोलॉजिकल लॉ है. तो दिस इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप. आपने एक इक्वेशन पहले भी पढ़ी, C इज इक्वल्स टू C बार कैपिटल C प्लस स्मॉल C इंटू Y. ठीक है, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन. सो दिस इज द इक्वेशन. आप यहाँ पे C की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, स्मॉल C जैसे एनसीईआरटी में है, जहाँ पे आप B लिख सकते हैं. ठीक है, बी एक कॉमनली डिनोटेड टर्म है जो स्लोप के लिए कंसीडर होती है, जहां हम इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं. अब कौन सा वेरिएबल क्या बता रहा है? ठीक है, इसको अगर हम वन टर्म दे दें, कौन सी टर्म क्या बता रही है? नाउ दिस कैपिटल सी इज, ये कंजम्पशन है. ठीक है, दिस सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. क्लियर है, जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी हमारी जब इनकम जीरो भी होगी तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते रहेंगे. सो दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. सॉरी, यहां पे मैं इसको इधर लिख लेता हूं, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार. ठीक है, दिस सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. नाउ दिस बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस सी इज बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, यानी हमारी इनकम का कितना प्रपोर्शन हम खर्च कर देते हैं. This is that B. Now Y is national income. ठीक है, हमारी कंट्री की इनकम कितनी है तो उसमें से कितना प्रपोर्शन कंज्यूम होता है, कितना सेव होता है वो हम देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन. दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि हमारी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है. तो अब हम शेड्यूल बना के देखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, अल्जेब्रिकली किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, और उसकी हम डायग्राम बना के भी देखेंगे. हम यहाँ पे लेते हैं इनकम वाई, और यहाँ पे हम लेते हैं
कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन यानी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन थी, क्या थी वो, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। सो ये हमने एक टेबल बना लेते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, तो C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, ये कैपिटल में ही है C, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा। तो हमने C की वैल्यू क्या है, दिस इज 40 प्लस 0.6 y, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। So this is income and we are taking income in crore, consumption भी in crore है, ये आपको लिखना है कि ये figures crore में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम zero income लेते हैं, जैसे हमने के पिछले केस में भी देखा था, हम aggregate demand जब study कर रहे थे, at zero income we consume something, दैट इज autonomous consumption, ये autonomous consumption यानी 40, ठीक है, ये 40 यह है autonomous consumption, this C is autonomous consumption, this is consumption at zero level of income, ठीक है, हमारी income zero थी, consumption 40 था। For example, if our income has increased to 100, consumption कितना increase होगा MPC के according, ठीक है, यहाँ पे 0.6, 0.6 का क्या मीनिंग है, 60% इनकम हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो हम 60 प्लस कर लेंगे 40 में, 40 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 100, क्लियर है, यानी कंजम्पशन हमारा इतना होगा। इफ आवर इनकम इंक्रीजेस टू 200 एंड आवर कंजम्पशन विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एमपीसी, अगेन हम 60 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 60 हम ऐड करेंगे, दिस इज 160, इस तरह से हमारे कंजम्पशन आता जा रहा है। फॉर एग्जांपल इनकम इंक्रीज टू 300 क्रोर्स, देन आवर कंजम्पशन विल बी, और 60 ऐड करेंगे इसमें कितना होगा, 220, ठीक है, एट 400 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल बी, 60 ऐड करिए 280, अगेन इनकम इंक्रीज टू 500 क्रोर, then our consumption will be, we will again add 60 in it, this will be 340. So this is the schedule, according to this schedule we will draw the consumption curve, consumption curve इस schedule के according बनेगी। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, इसी तरह का आपका फंक्शनल रिलेशनशिप दिया होगा, आपको अगर वैल्यू दे दी जाती है ऑटोनमस कंजम्पशन की, सी बार की आपको वैल्यू दे दी जाती है, जहाँ आपको दिस एमपीसी बी की वैल्यू दी जा सकती है, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, कुछ वैल्यूज़ आपको दी होंगी और आपको वाई फाइंड करना हो सकता है, आपको कंजम्पशन फाइंड करना हो सकता है, तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके किसी भी टर्म की वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉ इट ग्राफिकली, सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक। नाउ यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वी आर टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी विल टेक ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस ये है, ठीक है, यहाँ पे हम कंजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, y एक्सिस पे वी आर टेकिंग कंजम्पशन एंड ऑन x एक्सिस वी आर टेकिंग इनकम, ठीक है, y एक्सिस पे हम इनकम ले रहे हैं। नाउ दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन यानी जीरो, ओके, so we will draw the consumption function according to this schedule, we can write the points here and then we can draw the consumption function, so this consumption function will take this shape, okay, this is consumption function,
विच इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. सो दिस इज द लीनियर कर्व, दिस इज द लीनियर कर्व, दिस इज द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड दिस इज द लीनियर कर्व अकॉर्डिंग टू दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. नाउ इफ वी विल ड्रा द aggregate supply from this origin, which is 45 degree line, as I have already told you, this is aggregate supply, this is 45 degree line, I am drawing it roughly, but it is 45 degree line, it is dividing the whole two dimensional graph into two parts. ठीक है, two parts मतलब एक पे ये part हो गया और एक ये part हो गया, है ना. तो ये थोड़ी सी इस तरफ बनी है, तो ये 45 degree line है. तो यहाँ पे ये consumption फंक्शन की के थ्रू हमने ग्राफ बना लिया. ठीक है, क्लियर है ये. तो इस तरह से फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन का इनकम के साथ. यानी अगर इधर हमने इनकम ली हुई है, इफ आवर इनकम इज इंक्रीजिंग, इनकम इंक्रीज कहाँ से होगी, इस तरफ इनकम इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ. ठीक है ना. अब यहाँ पे इनकम फॉर एग्जाम्पल 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, तो इस तरह से इनकम इंक्रीज हो रही है, 100 से 200, 200 से 300, है ना. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 200 लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है, तो इस पर कंजम्पशन कितना होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंजम्पशन है 50, 100, 200. तो इस तरह से कंजम्पशन कितना भी हो सकता. सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस आवर कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज कंजम्पशन कर्व, दिस इज कंजम्पशन कर्व. हियर इनकम इज इंक्रीजिंग, कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल वी हैव 200 इनकम और कंजम्पशन इज 150, 200, तो हियर देयर मस्ट बी 160. तो यहाँ पे 200 इनकम पे 160 कंजम्पशन होगा. सो इस तरह से इनकम अगर बढ़ती है 200 से 300 होती है, फॉर एग्जाम्पल 300 से 400 होती है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है, सॉरी इनकम अगर बढ़ रही है इधर से इधर तक पहुंची, तो कंजम्पशन भी हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच राइज कर गया. ठीक है, सो कहने का मीनिंग ये है कि व्हेन एवर इनकम राइसेस कंजम्पशन आल्सो राइसेस. नाउ देयर आर थ्री थिंग्स विच वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस डायग्राम. यू कैन सी फर्स्ट इज व्हेन आवर इनकम इज इंक्रीजिंग और कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, फर्स्ट इज एस इनकम इंक्रीजिस इंप्लाइज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजिस. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, एस इनकम इंक्रीजिस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजिस. नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो कंजम्पशन है, हमारा कंजम्पशन है सेम लेवल से सेम राइस नहीं कर रहा है ना, जितना इनकम राइस कर रही है उतना कंजम्पशन राइस नहीं कर रहा है. कैसे, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम एक ड्रा करें, ये है हमारा इनकम राइस होना और ये है हमारा कंजम्पशन. ठीक है, ये है इनकम में चेंज और ये है कंजम्पशन में चेंज. यानी हमारा इनकम इतनी बढ़ रही है और कंजम्पशन इतना ही बढ़ रहा है. इसका मीनिंग ये है कि व्हेन आवर इनकम इज इंक्रीजिंग कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजिंग बट लेस एज प्रोपोर्शन टू इनकम. व्हेन इनकम इंक्रीज चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन कंजम्पशन. ठीक है, तो ये पॉइंट हो सकता है. थर्ड इज वी हैव सर्टन लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. हमारा इनकम अगर जीरो भी है
इनकम अगर जीरो भी हो है तो हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, ठीक है। वी हैव सर्टेन कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जीरो लेवल ऑफ इनकम, दिस इज इनकम कर, ठीक है। वी हैव दिस मच कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, वी हैव दिस मच कंजम्पशन, ठीक है। आई हैव टेकन इट हाइपोथेटिकली, यू कैन ड्रॉ इट थ्रू दिस शेड्यूल ऑल्सो। सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी हैव दिस मच कंजम्पशन, ओके। सो इट मीन्स व्हेन वी हैव जीरो इनकम, कंजम्पशन इज नॉट जीरो, ठीक है। कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम दिस कर्व। सो नाउ वी विल स्टडी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ सी दिस डायग्राम, वी आर स्टडिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ए पी सी। सो हेयर यू कैन सी दिस इज कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज कंजम्पशन कर्व, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज इनकम, एंड हेयर वी आर टेकिंग कंजम्पशन ऑन द वाई एक्सिस। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सिंपली, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे कोई भी इनकम हो सकती है, उसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी किसी भी पर्टिकुलर आवर पे जो भी कंजम्पशन होगा उसको हम डिवाइड करेंगे इनकम के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे हम हमारी जो इनकम होगी है ना, यहाँ पे हमारी कोई इनकम है अगर वाई डैश, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस कर्व से, एक्सटेंड करेंगे हम इस इधर तक, ठीक है। सपोज करो ये सी कोई सी डैश है पॉइंट, और दिस इज ओरिजन, तो यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, सपोज करो कंजम्पशन इज 80 करोड़ एंड इनकम इज 100 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम है हमारी इतनी, हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी जो हमारी कंजम्पशन है उसको डिवाइड करेंगे हम इस इनकम से। ए पी सी इज इक्वल्स टू ओ सी डैश डिवाइडेड बाय ओ वाई डैश, ठीक है। सो दिस इज अवर ए पी सी, वी विल सिंपली गिव इट्स वैल्यू टू इट। तो यहाँ पे ओ सी और ओ वाई डैश फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया हुआ है, तो हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए पी सी सिंप्लाइज ए पी सी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 100। तो दिस फर्दर इम्प्लाइज ए पी सी कितना आ जाएगा, 0.8। तो हमारा ए पी सी इस तरह से आ जाएगा। सिंपली आपको इस प्रोपोर्शन को डिवाइड कर देना है इस प्रोपोर्शन के साथ, है ना, जहाँ इस प्रोपोर्शन को डिवाइड कर देना है इसके साथ, तो आपको ए पी सी मिल जाएगी, ठीक है। ए पी सी हम किसी भी पॉइंट ऑफ इनकम, किसी भी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे डिराइव कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट वी कैन सी ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी हम प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पी सी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन 3 मार्क्स। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ए पी सी कैन बी ग्रेटर देन 1, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ग्रेटर हो सकती है ये। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा हो सकती है। सो यहाँ पे ये पॉइंट, पहला पॉइंट आता है ए पी सी इज ग्रेट, ए पी सी मे बी ग्रेटर देन 1, तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैन ए पी सी बी ग्रेटर देन 1, यू विल
से योर आंसर एज ट्रू कि एपीसी ग्रेटर देन वन हो सकती है, ठीक है। हम अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू में हमने देखा कि हमारी इनकम ज़ीरो थी, फिर भी हम कंज्यूम कर रहे थे कुछ ना कुछ, ठीक है, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक। सो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन हियर, ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी इनकम है और ये हमारा कंजम्पशन है, तो हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाता है यहाँ पे, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे इक्वल कैसे हो रहा है, क्योंकि 45 डिग्री लाइन यहाँ पे इसको कट कर रही है कंजम्पशन कर्व को, ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कह रहे हैं। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, हियर कंजम्पशन एंड इनकम आर इक्वल बिकॉज दिस इज 45 डिग्री लाइन एंड इट इज डिवाइडिंग द टू डायमेंशनल ग्राफ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये क्लियर है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है ये, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 100 इनकम है तो 100 ही कंजम्पशन है, ठीक है, इसका कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन वन, दैट इज एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन। सो आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज एपीसी मे बी इक्वल टू वन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वन के इक्वल हो सकती है। वन के इक्वल कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे वन के इक्वल है एपीसी, ठीक है, यानी हमारे जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। सो इन दिस केस एपीसी वुड बी इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ पे एपीसी वन कब हो जाएगी, जब हमारा सेविंग हम ज़ीरो कर रहे हैं, है ना, और हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम के इक्वल हो जाता है, तो एपीसी की वैल्यू वन हो जाती है, ठीक है, अगर हम सारा ही कंज्यूम कर लें। सो APC can be equal to 1, so at break even point APC would be equal to 1, तो APC 1 के equal हो सकती है। 1 का meaning क्या है कि हम जितनी भी हमारी income है हम सारी की सारी income को consume कर रहे हैं, so this is possible, ये तो possible है ना। Now third is APC can be less than 1, less than 1 यानी हमारा break even point से पीछे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे एपीसी कैन बी लेस देन वन, यानी जितनी हमारी इनकम है हम उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी, ऐसा तो हो सकता है ना इकॉनमी में, जितनी हमारी इनकम है उससे हम थोड़ा सा कम कंज्यूम कर रहे हैं, सो दिस मे बी पॉसिबिलिटी, सो एपीसी कैन बी लेस देन वन, दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ देयर इज फोर्थ प्रॉपर्टी, एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है, एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। वो कैसे, क्योंकि हमने देखा कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम है ना, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो इनकम है, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ था, यहाँ तक हम फिर भी कंजम्पशन कर रहे थे, इतना कंजम्पशन हम ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कर रहे थे, इसीलिए एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो। इफ़ वी हैव ज़ीरो इनकम देन वी विल कंटिन्यू कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, वो हमारा इनकम किसी भी सोर्स से हो सकता है, ठीक है, तो इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, दिस मीन्स एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, एपीसी ज़ीरो नहीं हो सकती। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टू नाउ वी विल सी व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ वी कैन derive marginal propensity to consume from the consumption function, we'll see in detail. Now first of all you will see what is marginal propensity to consume. It is the ratio of change ko hum kis tarah se bhi likh sakte hain, simply as a triangle shape, ye theek hai, isko delta w bolte hain. It is the ratio of change in
कंजम्पशन ड्यू टू चेंज को इस तरह से आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम क्या है यहां पे वाई। सो एमपीसी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी हमारी इनकम के चेंज होने से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज होता है उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू डायग्राम, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, हियर इज ओरिजन, हियर वी आर टेकिंग लेवल ऑफ इनकम, हियर वी आर टेकिंग कंजम्पशन। ठीक है, ऑन एक्स वाई एक्सिस वी आर टेकिंग कंजम्पशन, अगेन वी आर ड्राइंग द कंजम्पशन कर्व, सी इज इक्वल टू सी वार प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है कंजम्पशन फंक्शन से जो डिराइव होती है कर्व, कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, तो एमपीसी क्या है, सिंपली चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम इतनी है, ठीक है, इफ वी हैव दिस लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे अगर हम इस लाइन से इधर तक एक्सटेंड करें, ठीक है, इस लेवल तक ये हमारी इनकम थी, सपोज दिस इज ओ वाई वन है, तो इधर से हम इसको एक्सटेंड करेंगे कंजम्पशन की एक्सिस तक। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो सी वन है, तो हमारा इस इनकम पे इतना कंजम्पशन है, ठीक है, इतना कंजम्पशन है इतनी से इनकम पे। हमारे यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, हमने इक्वेशन ली है सिंपली, अगर हमारे पास इक्वेशन है कंजम्पशन फंक्शन, जहाँ कंजम्पशन की इक्वेशन जो थी हमारे पास ये थी, ठीक है, इसी कंजम्पशन की इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव ले, फर्स्ट डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएशन करें, तो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिलता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, वो किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, दिस इज एम पी सी। ठीक है, ये भी आता है अगर हम इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, सी क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे कंजम्पशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये इस तरह से आता है डेल सी अपॉन डेल वाई, विच इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, प्लस बी वैसे ही आ गया, और वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा, ये वन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डेल सी अपॉन डेल वाई कितना आता है, बी आता है, क्योंकि ये वन हो गया और ये जीरो था, तो इस तरह से ये हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो ये इक्वेशन है ये बनती है। यू सिंपली नीड टू लर्न दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज दिस बी, दिस बी इज आल्सो द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, ये स्लोप है जो इस कर्व की वो भी बी ही है। सो वी हियर इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हमारी कितनी परसेंट इनकम जो है वो कंज्यूम करते हैं हम टोटल इनकम में से, ये वो शो करती है। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनकम और कंजम्पशन की। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे ये कंजम्पशन होगा, इन केस हमारी इनकम इंक्रीज होती है फ्रॉम वाई वन टू वाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस कर्व तक, और इस कर्व को फिर हम कंजम्पशन कर्व तक एक्सटेंड करेंगे, वी विल नेम इट एज सी टू। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज चेंज इन इनकम एंड दिस इज चेंज इन कंजम्पशन। क्लियर है, तो यहाँ पे इनकम इतनी सी इनकम चेंज हो रही है फ्रॉम वाई वन टू
वाई टू, ये वाली इनकम चेंज हो रही है और ये वाला कंजम्पशन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो डेल वाई अपॉन डेल सी, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपली क्या है, डेल वाई सॉरी डेल सी अपॉन डेल वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम विच इज इक्वल टू वी, तो ये स्लोप होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ देयर आर टू प्रॉपर्टीज, नाउ देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वी विल सी दोज प्रॉपर्टीज। सो दिस वॉज अवर एम पी सी, बी इज एम पी सी। एज एन एग्जाम्पल इफ वी रिकॉल अवर प्रीवियस यू नो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, वी हैव सीन दैट एम पी सी वी हैड टेकन वॉज 0.6, ठीक है। इफ वी हैव चेंज ऑफ कंजम्पशन एज 60, वी नो एम पी सी इज डेल सी अपॉन डेल वाई। इफ डेल सी चेंज इन कंजम्पशन इज 60 एंड चेंज इन इनकम इज 100, दिस इम्प्लाइज एम पी सी क्या होगा, एम पी सी इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई विच इज अगेन 60 अपॉन 100 एंड इट इज इक्वल टू 0.6, दिस इम्प्लाइज एम पी सी इज इक्वल्स टू 0.6। तो इस तरह से हम एम पी सी डिराइव कर सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस 0.6 का मीनिंग है कि हम 60% ऑफ आवर इनकम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एम पी सी। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 and 1। So you need to remember that marginal propensity to consume lies between 0 and 1. तो एम पी सी हमारी 0 होगी, एम पी सी 0 होगी अगर, तो एम पी सी 0 होने का मीनिंग है कि एडिशनल इनकम जो हमारे पास आ रही है उसका हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अगर उसका कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी सेविंग, अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हम, तो उसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारी एम पी सी कितनी हो जाएगी, उस केस में हमारी एम पी सी भी 0 हो जाएगी। वो कैसे देखते हैं, और हमने देखा था कि एम पी सी क्या है, डेल सी अपॉन डेल वाई। अगर हमारी चेंज इन कंजम्पशन, एडिशनल कंजम्पशन 0 करते हैं हम, ठीक है, 0 अपॉन डेल वाई विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो वो 0 ही बन जाता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एम पी सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एम पी सी 0 हो जाती है अगर, ठीक है, अगर चेंज इन कंजम्पशन 0 है, ठीक है, अगर कंजम्पशन 0 है, ठीक है, तो ये सिचुएशन बनती है, हमारी एम पी सी भी 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1। 1 कब होती है वो हम देखेंगे। इन केस अवर एम पी सी इज 1, है ना, चेंज इन कंजम्पशन इज 1, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन अगर हमारे पास 1 है, तो एम पी सी क्या होगा, एम पी सी विच इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई, यानी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, सॉरी जितना हमारी इनकम है उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज डेल सी इज 1 एंड अवर होल इनकम इज इक्वल टू 1, हमारी इनकम टोटल इनकम कितनी होती है 1, ठीक है। ये हमने देखा ना, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1, यानी हम जितना सेव कर रहे हैं और जितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम दोनों को प्लस कर लें तो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम सेव कितना कर रहे हैं और कंज्यूम कितना कर रहे हैं, तो टोटल 1 के इक्वल होता है, हमारा टोटल इनकम 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 यानी 100%, ठीक है। और अगर हमारा कंजम्पशन भी 100% है तो हमारी जितनी इनकम है वो सारी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज एम पी सी इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमारा चेंज इन कंजम्पशन 1 है, चेंज इन कंजम्पशन 1 है, यानी हम अपनी एंटायर इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी हम अपनी एंटायर इनकम हमारा पास 1 ही है, अगर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे एम पी सी की वैल्यू 1 तक जा सकती है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट
वैल्यू ऑफ एम पी सी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेस आवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हमारी एम पी सी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो एक टेंडेंसी होती है कि इकॉनमी में सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, है ना. तो एज इनकम राइसेस जैसे ही इनकम राइस होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यानी हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम को हम सेव करना शुरू कर देते हैं. सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फर्स्ट वाज एम पी सी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. एम पी सी 0 और 1 के बीच ही लाई करेगी, ठीक है. और एज इनकम इंक्रीजेस एम पी सी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो टुडे वी हैव रेड कंजम्पशन फंक्शन. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? What is Gaines psychological law? Schedule. What is average propensity to consume? And what is marginal propensity to consume? So that's all in this session. Thank you for watching.